ये नज़ारा बिहार के बगहा का है, जहां पर टीचर रोज़ाना हिचकोले खाते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। हर दिन जान हथेली पर रखकर गंडक नदी जैसे तैसे पार करते हैं। इन लोगों का कहना है कि 6 किलोमीटर का सफ़र घंटों में तय करना इनकी नियति बन गई है। बड़े नावों के अभाव में छोटी और असुरक्षित नावों के सहारे स्कूल जाने को बेबस हैं। कितना दूर है यहाँ से? मधुबनी अंचल के पास से 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर पड़ जाता है। आने में तो काफ़ी दिक्कतें होती जी, आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वहाँ पे पूरा पानी लग गया है घुटना से ऊपर, बाइक फंस जाता है, खराब हो जाता है, पैर पे चोट लग जाता है, हाथ पे चोट लग जाता है, गिर गए थे हम लोग बांध पे। विद्यालय आने का नाव ही सर? हाँ, नाव से ही हम लोग आते हैं। कितना नदी पार करके फिर आके फिर रेता होकर हम लोग को जाना पड़ता है। बाइक भी नहीं चलता है, फिर से बरसात में जब पानी होने लगता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत। डर और लगता है कि? डर तो बहुत लगता है सर। कभी कोई खतरा? हाँ, एक बार तो मतलब नाव पूरा ऊपर ऐसे हो गया था, पानी का बहाव ज्यादा था। अनहोनी कभी भी हो सकता है यहाँ पे, बहुत परेशान होता है। क्या मांग करते हैं? ये मतलब यही है कि अगर थोड़ा आने जाने का सुविधा हो जाए हम लोग को, वहाँ जो रास्ता खराब है। दरअसल मधुबनी, पिपरासी और टकराह प्रखंडों में दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहां गंडक नदी को पार कर शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को पहुंचना पड़ता है। इन शिक्षकों को रास्ते में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी हो या जल्दी पहुंचने की बारी आए तो घाट पर पहुंचकर घंटों इंतज़ार करना इन लोगों की नियति बन गई है। बघा इलाके में हर दिन शिक्षकों को बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पगडंडियों से होकर उफनती नदी पार करना पड़ता है, जिसमें सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। लाइफ सेविंग जैकेट जैसी बुनियादी सुरक्षा इन लोगों को मुहैया नहीं है। रोज़ाना ऐसे ही हिचकोले खाते हुए सफ़र तय करते हैं। उधर घर वाले अलग बेचैन रहते हैं। विद्यालय कैसे आते हैं? हम लोग विद्यालय बाइक से आते हैं बांधा तक, और बांधा से पैदल फिर नाव के सहारे स्कूल जाते हैं। डर लगता है कि नहीं? नाव बहुत डर लगता है। अभी पटना में कल एक शिक्षक नदी में बह गए। जी हाँ, वो सुन करके तो और अंदर से अब किंग कर्तव्य मूड हम लोग हो गए हैं। मतलब क्या करें, विद्यालय जाएं, अपना पेट का रोजी रोटी देखें, या फिर हम अपनी जान देखें। इसमें हम लोग बहुत ही अंदर से आहापोह की स्थिति में है। अभी फिलहाल कोई खतरा हुआ है कि नहीं? इस अभी खतरा होने से बचा है, हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है बारिश में कि हवा से नाव उथल पथल हुआ करती है, और उसमें पैर स्लिप उलिप किया है, लेकिन फिर भी हम लोग बचे हुए हैं। और यहाँ के नाविक लोग अच्छे आदमी हैं, बहुत सहयोग करते हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे जाते हैं लोग नाव के साथ? 18 आदमी बलुआ टोली में है, जिसमें से 16 आदमी हम लोग इधर से आते हैं, और बचे हुए कुछ लोग बलुआ से आते हैं, उस साइड से कुछ लोग नाव पार करते हैं। स्कूल के बगल में रहने की कोई व्यवस्था नहीं, दोनों तरफ से नाव से ही आना जाना, दोनों तरफ से नाव से ही आने की व्यवस्था है। वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, और हम लोग की मजबूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पानी डेरा लेना ही पड़ेगा पानी से। हम अभी फिलहाल सरकार 1 घंटा का आप लोग को छूट दी है? 1 घंटा की छूट दी है सर, लेकिन नाव तो पार करना है ना, और हम लोगों को नाव पार करने में जोखिम तो झेलना ही पड़ेगा।